पर पहुंचे। छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान सुरेश रैना ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव से मुलाकात की। दरअसल छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग होना है, इस सिलसिले में सुरेश रैना छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में सुरेश रैना ने बताया कि डिप्टी सीएम अरुण साव से मुलाकात हुई, खेल को बढ़ावा देने को लेकर भी चर्चा हुई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी सुरेश रैना, देखिए इन दोनों छत्तीसगढ़ में है और छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम अरुण साव के यहाँ वो आए हैं और उनके साथ साथ क्रिकेट संघ के अध्यक्ष भी हैं और सुरेश रैना के काफ़ी फैंस हैं यहाँ पास। सुरेश कैसा लग रहा है छत्तीसगढ़ में आके? आप देख सकते हैं, देखिए आप सुरेश रैना है और छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं और छत्तीसगढ़ में देखिए किस बिल्कुल अच्छा है सर। हमारे यहाँ मैचेस होने वाले हैं अभी छत्तीसगढ़ के लिए, तो उसके लिए आए सर। और छत्तीसगढ़ तो बिल्कुल एक अच्छा एक मेहमान नवाजी का शहर है और बहुत प्यारा खूबसूरत शहर है। अभी जा रहे हैं सर उधर, अभी देखते हैं। अभी पूरा छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग स्टार्ट हो रही है ना, नहीं नहीं प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर है सर, उन बच्चों के लिए आएंगे, आने वाले टाइम में अच्छा करेगा छत्तीसगढ़। सर महेंद्र सिंह धोनी के बारे में एक सवाल लेना चाहूंगा, कल आईपीएल का मैच जो था आरसीबी और सीएसके के बीच, सीएसके हारी है सर। सर अभी तो अगले 5 ट्रॉफी है ना उनके पास। अभी विराट कोहली भी क्वालिफाई करे हैं, वो भी हिंदुस्तान का एक उभरता सितारा है और अभी आप अगले साल फिर देखेंगे माई भाई को खेलते हुए। सर अभी तो बहुत दूर है वर्ल्ड कप, अभी तो 15 है सर खेलेंगे। मुख्य बातें हुई है सर, नहीं पर ऊपर वाले का आशीर्वाद लिया, उनसे मिलके काफी अच्छा लगा। देखिए आप जिस प्रकार से सुरेश रैना छत्तीसगढ़ आए हैं और छत्तीसगढ़ क्रिकेट स्टेडियम भी जाने वाले हैं, अब यहाँ से वो क्रिकेट स्टेडियम के लिए रवाना हो चुके हैं और खास करके देखे जाने वाली बात यह है कि वो डिप्टी सीएम से मिलते हैं, डिप्टी सीएम से मुलाकात किस प्रकार की हुई और मुलाकात में खास क्या निकल करके सामने आता है। फिलहाल महावीर साहू के साथ जगदीश सिंगड़िया, न्यूज रायपुर।